इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार अपनी जांच एजेंसियां जो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इनको असाइनमेंट दिया है कि रोज पहले अखबार के पन्ने पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकालो ताकि राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो। प्रशासनिक सेवा के है श्री के रवि कुमार, वो राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी भी, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, तमाम जिला के जिले अधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया। हमने मांग किया इन तीनों पदाधिकारियों को तत्काल अपने पद से विमुक्त कर दिया जाए। निर्वाचन संबंधी किसी भी काम, खासकर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी झारखंड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते, इन पदाधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां विभिन्न जो राजनीतिक दल है अपने अपने मंतव्य और अपने बयानों से जो है आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई राज्य के पुलिस पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जो होने वाला है उसको प्रभावित करने के लिए भाजपा अपने हथकंडे अपना रही है और राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है इस मामले में भी शामिल हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, सुनाते आपको। चुनाव होने वाला, उसका फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो गया और अगले 48 घंटे के अंदर जो द्वितीय चरण का निर्वाचन होना है उसका भी नामांकन का काम पूरा हो जाएगा। नामांकन के पश्चात उनतीस तारीख से ही इस राज्य में प्रथम चरण का निर्वाचन का प्रचार प्रसार का काम शुरू होगा। इस बीच में अभी से ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से घबरा गई और अपने केंद्र सरकार की जो शक्तियों को जिस प्रकार से उपयोग करना शुरू किया, मैं लगातार कह रहा हूं कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार अपनी जांच एजेंसियां जो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इनको असाइनमेंट दिया है कि रोज पहले अखबार के पन्ने पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकालो ताकि राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो। यह काम बदस्तूर पिछले 3 दिनों से चल रहा है जब से मैंने इस बात का जिक्र किया और आज तो हद हो गया। आज राज्य में पदस्थापित जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी जो प्रशासनिक सेवा के हैं श्री के रवि कुमार, वो राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी भी, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, तमाम जिला के जिले अधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया, पुलिस महकमे में बैठे उच्च पदाधिकारी एडीजी के पद पर, यह साधारण निर्वाचन नहीं होने जा रहा।
असाधारण परिस्थिति में निर्वाचन होने जा रहा है। और ये असाधारण परिस्थिति केवल और केवल कॉरपोरेट के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये इनके इन प्रकार जो झारखंड को लूटने की मंशा रखते हैं उनके समर्थक की सरकार बने। लेकिन ऐसा संभव होगा नहीं, जनता तैयार बैठी। हमने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग आदिवासी इलाकों में, अल्पसंख्यक के इलाकों में, दलितों के इलाके में भारी तादाद में बड़े बड़े असलहे के साथ में अर्धसैनिक बलों को भेजती है, उनसे डराने धमकाने का काम किया जाता है वोटरों को, ये उसका पटकथा। उनको याद रखना चाहिए कि यह जमीन सिद्धू कानू की, भगवान बिरसा की, शेख भिखारी का, नीलांबर पीताम्बर का है, शिबू सोरेन का सींचा हुआ जमीन, निर्मल महतो जी का खून का जमीन। यह जमीन संघर्ष करना जानती, यहां के लोग आपसे डरने वाले नहीं, आपको जितना कुचक्र करना है कर लीजिए। जितने पदाधिकारियों को अपना पेट बनाना है बना लीजिए, लेकिन निर्वाचन भयमुक्त हो इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है और वह अपनी जिम्मेवारी को संभाले। हमने मांग किया इन तीनों पदाधिकारियों को तत्काल अपने पद से विमुक्त कर दिया जाए। निर्वाचन संबंधी किसी भी काम, खासकर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी झारखंड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्योंकि इनके रहते, इन पदाधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। और अब जानते हैं ये कितना गंभीर मामला है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है और इसे प्रभावित करने में जिनके ऊपर दारोमदार राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी, वो किस तरह से संलिप्त, यह अत्यंत भयावह स्थिति आने जा रही है। कई तरह की साजिशें अभी और आनी है, जिसमें ऐसे ऐसे स्तर के लोगों को यूज किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल किस प्रकार गिर गया है। वो जनता के पास नहीं जा रही, जो निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन कर रहे उनके घर तक चल जा रही, डराकर धमकाकर प्रलोभन देकर।
जबरन उनको बैठाया जा रहा है। अखबारों में फोटो छप रही है, खबरें निकल रही है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन पर जबरन दबाव दिया जा रहा है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और ये लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ चुनाव होने हैं और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों का जो है इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो आरोप और प्रत्यारोप जो लगातार जारी है, तो ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।